हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे बेसन का चिल्ला। चिल्ला बनाने के लिए यहाँ पर 2 कटोरी बेसन लिया है। 2 कटोरी बेसन में 6 से 7 चिल्ले आराम से बन जाएंगे। अब इसमें 1 बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और बारीक कटी हुई हरी धनिया और 1 टमाटर डाल देंगे। और अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर। हल्दी से चिल्ले का कलर बहुत अच्छा आता है। और अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक घोल बना लेंगे। पाँच मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे, उसके बाद चिल्ले बनाएंगे। 5 मिनट हो गई है। अब एक तवा लिया है, इस पर ऑयल लगा देंगे और 2 चम्मच भरकर बेसन का डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे हाथ से। मीडियम फ्लेम पर इसको बनाएंगे चिल्ले को। अब थोड़ा सा तेल लगा देंगे इसके किनारों पे चिल्ले के और पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे चिल्ले को। दूसरी साइड से भी चिल्ला सीक गए हैं, इसको पलट देंगे। दोनों साइडों से अच्छे से सीख चुका है। फिर से तवे पर तेल लगा देंगे और इसी तरह से बाकी के भी चिल्ले बना लेंगे। बेसन का चिल्ला बनकर तैयार है। आप इसको दही, चटनी और सॉस किसी में भी खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching.